हेलो दोस्तों देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों परिवहन निगम में तीन हजार साठ पदों पर परिचालकों की भर्ती होगी दोस्तों संविदा पर परिचालकों की भर्ती होगी दोस्तों हिंदुस्तान जॉब्स में आपको ये मिल जाएगा हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है लखनऊ या आप इलाहाबाद का संस्करण देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी सीट पद जो है खाली है और आपको क्या करना क्या करना होगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो देखिए दोस्तों ये आपका पेपर की कटिंग है आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं हिंदुस्तान जॉब्स में आपको मिल जाएगा लखनऊ या आप इलाहाबाद किसी कहीं का भी संस्कार देखेंगे दोस्तों आपको जरूर जरूर मिल जाएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है रोडवेज में संविधा पर परिचालकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है परिवहन निगम प्रशासन ने तीन पदों पर भर्ती की अनुमति दी है ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी इसके लिए प्रदेश में सत्रह क्षेत्रों को चुना गया है जहां आवेदक अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे सत्रह यही जगह है दोस्तों देख लीजिए गाजियाबाद में खाली पद हैं दोस्तों चार सौ हरदोई में चौवन एक सौ तिरपन है अलीगढ़ में मुरादाबाद में एक सौ देवी पाटन में एक सौ छियानवे गोरखपुर में तीन सौ दस है दोस्तों और बानवे है झांसी में इलाहाबाद में एक सौ तीन तीन सौ बयालीस है नोएडा में बरेली में दो सौ सड़सठ है तिरानवे है आगरा में इटावा में एक सौ पचासी जो भी आपके आसपास हो या जो भी आपके नजदीक हो तो आप वहाँ पे भर सकते हैं कानपुर में एक सौ लगभग दो सौ पद है और चित्रकूट सॉरी हाँ चित्रकूट धाम बांदा में जो है एक सौ चार है और सतासी है फैजाबाद में आजमगढ़ में जो है एक सौ तेरह है दोस्तों ठीक है आगे देख लेते हैं क्या क्या योग्यताएं होंगी परिवहन निगम प्रधान प्रबंधक कार्मिक की ओर से जारी आदेश से संविधान परिचालकों की भर्ती शुरू की जा रही है दूसरी और कुंभ मेले में डेढ़ हजार नई बस में कंडक्टरों की जरूरत को देखते हुए दिसंबर तक दिसंबर तक दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ठीक है आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं क्या क्या चीजें मांगा है इंटरमीडिएट होगी शैक्षिक योग्यता अगर इंटर इंटरअपास ट्वेल्थ आप पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आगे बोला है भर्ती के लिए आवेदकों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है इसके अलावा भूतपूर्व अलावा भूतपूर्व सैनिक या एन का बी प्रमाण पत्र या आर या कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा हो इसके अलावा कोई भी चीज हो ठीक है उसके बाद बोला है कि आवेदकों की आयु की जो सीमा है दोस्तों वो अठारह से चालीस वर्ष होनी चाहिए मतलब इसके बीच साथ ही एस सी एस टी को नियमानुसार छूट दी जाएगी एस सी एस टी को जो छूट दी दी जाती है वो आपको मिलेगी ठीक है तो देखिए दोस्तों तीन हजार साठ पदों पर पर परिवहन निगम पे भर्ती आ चुकी है भर्ती होगी दोस्तों और जल्दी से जल्दी ये भर्ती करा ली जाएगी तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है फॉर्म आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए और यहाँ पर ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी और जो आपके जो जो आपको दिए गए क्षेत्र इनमें से जो भी आपके पास हो या आपको लगता ज्यादा पर सीट है वहां से हम कर सकते हैं तो आप वहां से भर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारे वीडियो को पसंद आगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा साथ ही साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों देखो सिखो स्टडी को जोर से जोर जो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें जाते आते शुरू लाइक शेयर कर दीजिएगा देखते रहिए देखो सिखो स्टडी मिलते हैं धन्यवाद